JNU। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में विश्वविद्यालय आता है, मगर विनय शर्मा इस नाम से अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। सिद्धार्थ बोर्ड के उर्वशी रावतेला, पीयूष मिश्रा और रवि किशन जैसे तमाम सितारे इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, मगर पोस्टर रिलीज के साथ ही मूवी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। लोग तरह तरह के पक्ष अपने अपने रख रहे हैं, मगर सवाल ये है कि फिल्म JNU पर इतना विवाद हो क्यों रहा है। तो इसका जवाब है फिल्म का नाम और पोस्टर, जिस पर JNU की फुल फॉर्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी लिखी गई है। फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इसमें भगवा रंग में रंगे भारत देश का नक्शा दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में यह भी दिखाई दे रहा है कि उस नक्शे को एक हाथ से पकड़ कर रखा है और मरोड़ा जा रहा है। पोस्टर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है और बहुत कुछ बयां कर रहा है। मैप के अंदर लिखा है, क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है। वही फिल्म का नाम भी JNU रखा गया है, जो देश की मशहूर यूनिवर्सिटी के नाम से मेल खाता है। हालांकि इस फिल्म का पूरा नाम जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा था कि शिक्षा की बंद दीवारों में लोगों की साजिश के तहत देश तोड़ने की शिक्षा दी गई है। जब लेफ्ट और राइट आपस में टकराएंगे तो प्रभुत्व की लड़ाई कौन जीतेगा। महाकाल मूवीज लेकर आ रहा है JNU 5 अप्रैल 2024 से सिनेमाघरों में। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की 2 बार बिजली काट दी गई थी, वो भी तब जब माओवादी आतंक पर आधारित फिल्म बस्तर की प्री स्क्रीनिंग चल रही थी। इसके पीछे का कारण क्या है अब तक नहीं पता चल पाया है, हालांकि इस बारे में छात्रों ने खुलकर बात की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रकला मंच द्वारा बस्तर फिल्म की प्री रिलीज स्क्रीनिंग रखी गई थी। बुधवार को हुई स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तोसेन भी मौजूद रहे। इस दौरान 2 बार यूनिवर्सिटी की बिजली काटी गई। फिल्म को लेकर छात्रों ने कहा, फिल्म में देश में माओवादी आतंक से ग्रस्त एक क्षेत्र की कहानी दिखाई गई है। स्क्रीनिंग आयोजित करने वाले छात्रों का कहना है कि इस दौरान कई बार शरारती तत्वों एवं JNU के प्रशासन द्वारा बिजली काटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी छात्रों ने फिल्म की पूरी स्क्रीनिंग देखी। राष्ट्रकला मंच के संयोजक गौरव ने बताया कि JNU के छात्रों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। ये खचाखच भरे हॉल और छात्रों के उत्साह से देखा जा सकता है। इस फिल्म को दिखाने का उद्देश्य वामपंथियों के सत्य को छात्रों के मध्य उजागर करना था। JNU में इसका महत्व और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मुट्ठी भर वामपंथियों द्वारा JNU के छात्रों को कई बार प्रताड़ित भी किया जाता है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तोसेन ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि JNU के मुट्ठी भर वामपंथियों की वजह से JNU के छात्र बदनाम होते हैं। बाहर के लोगों को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि JNU में हजारों की संख्या में राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने वाले छात्र भी पढ़ते हैं। इस फिल्म के माध्यम से बस्तर के माओवादी आतंक से ग्रस्त इलाके की कहानी दिखाई गई है कि किस प्रकार वहां के मासूम निवासियों को यह वामपंथी अपने लाभ के लिए बेरहमी से उपयोग करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।